अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक बार भी हम आगरा नहीं जा पाए हैं, वहां से दीपक दुबे हमारे साथ इस वक्त अब जुड़ चुके हैं आगरा में। दीपक, बेहद हाई प्रोफाइल, तीन तीन बड़े चेहरे यहां से, तो पूर्व खुद उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी मैदान में है, तो आगरा के हाल क्या है, आगरा में जनता का मूड क्या है, तस्वीरें भी दिखाइए। जी, सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आगरा छावनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। बेबी रानी अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आई थी मतदान लेने के लिए, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बात की। हम कुछ समय में दर्शकों को तस्वीरें भी, उनकी बाइट भी दिखाएंगे। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ऐसे में बुजुर्ग जिस तरह से और महिलाएं लड़कियां निकल कर सामने आ रहे हैं, सुबह 7 बजे से ही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनसे पहले बात करते हैं। आपसे चर्चा जानना चाहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाले जा रहे हैं इस बार, और आपके मुद्दे क्या होंगे, साल 2017 से पहले के मुद्दे और आज के मुद्दों में कुछ बदलाव है? मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, ये दोनों लड़का और लड़की, बेरोजगारी बहुत है, वो दोनों को बराबर के रोजगार देने की कोशिश करें, चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे यूपी में आए, चाहे सेंटर में आए। जो 5 जगह चुनाव हो रहा है उसमें सबसे जास्ती महत्वपूर्ण बात यह है, ये लड़का और लड़की को, दोनों को बेरोजगार से मुक्त करें। यहाँ के मुद्दे क्या है, अगर आगरा विधानसभा की बात की जाए, कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और छावनी विधानसभा की बात की जाए, यहाँ के मुद्दे क्या है, यहाँ को लेकर आप क्या? अभी बेरोजगारी बहुत है, आप देखिए किसी भी बच्चे का बेरोजगारी, पढ़ लिख के रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा चलाने से उसको डिग्री का क्या वैल्यू है, हमें ये बता दीजिए पहले। कोई भी सरकार ये नहीं कर रहा, ये सरकार, ये सरकार, ये सरकार, कोई नहीं है जिसके पास डिग्री है और रिक्शा चला रहा है। और बात की जाए, बेरोजगारी एक मुद्दा है, अगर 2017 सिर्फ एक ही मुद्दा है बेरोजगारी, 2017 से पहले भी वही था, आज भी वही है, आज उससे जास्ती है, उससे जास्ती है। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी आए मतदान देने के लिए, आपके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? ये अपनी पसंद है सर, मैं तो अपने पसंद से डाले, नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूँ आप किसे दे रहे हैं, मुद्दे क्या है आपके? यही है कि बस देश में सफाई हो और ये तुम्हारा काम चल रहा है शासन में, बढ़िया सरकार है बस। आपको आशा, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है यहाँ पर, कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 की 9 सीटें साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बीएसपी का गढ़ माना जाता था साल 2017 की बात की, 7 की बात की जाए या फिर 2012 की बात की जाए, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी ने 2017 की अगर बात की जाए तो 9 की 9 सीटें जीती थी, तो ऐसे में देखना होगा, दिलचस्प होगा कि आगरा विधानसभा की 9 सीटों पर आखिर मतदाता क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाले जाएंगे। जी चलिए, यहाँ मौसम बिल्कुल साफ है और बिल्कुल सही तस्वीर हम तक पहुंची है दीपक। एक बार राहुल प्रकाश का भी अब रुख कर लेते हैं, शामली में थाना भवन से हमारे साथ मौजूद है सुरेश राणा, यहां से खुद चुनावी मैदान में यूपी सरकार के मंत्री ताल ठोक रहे हैं, गन्ना मंत्री। पहली तस्वीर राहुल दिखाइए शामली थाना भवन की। देखिए, मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ बेहद अलग है, क्योंकि सुबह के वक्त से ही लंबी कतारें थी, बेहद ठंड आज है, और ये तस्वीर आप देखिए, पहले आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। ये तस्वीर इसलिए भी अलग है क्योंकि जो थाना भवन है ये मौजूदा यहाँ पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो मंत्री भी हैं, और ऐसे में यहाँ के जो मुद्दे हैं वो किसानों से जुड़े मुद्दे थे, क्योंकि गन्ना मंत्री खुद हैं और मुद्दे भी वही हैं, लेकिन अभी की तस्वीर ये है कि यहाँ जो भीड़ है, जो लंबी कतारें हैं, आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सुबह जब हम यहाँ पहुँचे थे तो जो लोग थे वो घरों से पहले निकल लाइन पे खड़े थे, और अभी जो भीड़ आप देख रहे हैं, थाना भवन की तस्वीर है ये, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह के साथ लोग यहां मतदान कर रहे हैं, यानी साफ तस्वीर यही है कि लोग जागरूक हुए हैं, जागरूक होते हुए ये मतदान का अपना प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अभी सुबह का ही वक्त है, ठंड भी है, लेकिन बावजूद इसके इसमें बुजुर्ग भी हैं, विकलांग भी हैं, महिलाएं भी हैं, तमाम लोग हैं जो घरों से निकलकर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी पिक्चर यहीं से सामने आ रही है, जरूर है जी, जबरदस्त भीड़ सुबह यहां पर मतदाताओं की। मैं चाहूंगी वाइड पिक्चर दिखाइए जरा यहां पर, और जितना हो सके बात कीजिए। देखिए, मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूं पूरी तरीके से कि ये
पूरा जो स्कूल है, इस स्कूल में किस तरीके से मतदान जो हो रहा है और भीड़ आप खुद देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह की लंबी कतारें हैं। ये स्कूल का जो प्रमाइसेस है, उस प्रमाइसेस से ही लंबी कतारें लगने शुरू हो गई थी, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ करना था तो ऐसे में उनको डिवाइड किया गया क्योंकि लंबी कतारें ज़्यादा हो गई थी। तो आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा लिए कि किस तरीके से यहाँ भीड़ है। मैं बात करता हूँ जो वोट डाल के आए हैं, पहले अपना ये निशान दिखा दीजिए। तो आप किन मुद्दों पर आप वोट दे के आए हैं, मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे यही है जी कि जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है जी। हाँ जी, अच्छा, यही मुद्दे हैं। हाँ जी, वोट डाल दिया भाई साहब? मुद्दे क्या हैं? डालेंगे, अभी नहीं डाला। मुद्दे क्या हैं वैसे, किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं? विकास के मुद्दे हैं जी। अच्छा, तो वोट डाल दिया? हाँ जी सर। आप युवा हैं, मुद्दे क्या हैं आपके? नौकरी है सर। हाँ। विकास है। हाँ। और जी सर, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है सर। अच्छा, तो भाईचारा चाहिए प्रदेश में, भाईचारे की जरूरत है सबसे ज्यादा। अच्छा, कानून व्यवस्था ठीक हो। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ है लेकिन और चाहिए और ठीक हो। अच्छा, ये आप सुन रहे हैं मुद्दे, जिस तरीके से ये एक युवा भी हैं और किसान तो हैं ही हैं, लेकिन जिस तरीके की बात कर रहे हैं विकास और रोजगार, ये एक अलग तस्वीर है। ये इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जिन मुद्दों पे मतदान का प्रयोग किया जाता है वही सरकार बनाते हैं, और सरकार से जिस तरीके की बात की जाती है कि जनता से बनी ही सरकार तमाम वो कार्य करती है, लेकिन जो कार्य करते हैं उससे जनता को ये भरोसा मिले या ना मिले, लेकिन जनता ये जरूर कहती है कि हमें विकास पर वोट देना है, रोजगार पर वोट देना है। तो ये तस्वीर यहाँ की अलग है इसलिए। जी बिल्कुल, आप राहुल बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।